सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानते हैं। उसके बाद खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है नानी की ऐनक। फिर अक्षर और 12 खड़ी को पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और सीखेंगे संख्याओं के बारे में नंबर कस के जरिए। उसके बाद हल करेंगे अंक पहेली और अंत में अंग्रेजी की क्लास में सुनेंगे एक राइम चबी चिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने, ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई, कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला, रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई एक महीने ही नहीं, एक साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए।
उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्र और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके दो दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास के कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू, क्या तुमने कहीं मेरा चश्मा देखा है? नहीं काकी, मैंने तो आज आपका चश्मा नहीं देखा। बिट्टू के काका, क्या आपने मेरा चश्मा देखा है? अरे बिट्टू की काकी, मैंने भी नहीं देखा, यही कहीं रखा होगा, ढूंढो मिल जाएगा। काका, अगर काकी को उनका चश्मा नहीं मिला तो वे आपको और मुझे साफ साफ कैसे देख पाएंगी? अरे क्या बताऊं, कब से ढूंढ रही हूँ, इधर उधर कहीं नहीं मिल रहा है। अरे बिट्टू की काकी, तुम भी ना कमाल करती हो, घर में छोरा और शहर में ढिंढोरा, जरा अपने सर के ऊपर हाथ तो रखो। और लगा आपके सर पर है। बिट्टू, तुम्हारी काकी ना अब बूढ़ी हो गई है। हाँ हाँ, तो आप बाके छोरे हैं अभी तक और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बाके छोरे, काका आप बाके छोरे, काकी ने कर दी काका की बोलती बंद। अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हें ऐनक से जुड़ी कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, अब आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो कहानी ही सुना दीजिए। अरे काकी, कहानी का समय तो हो ही गया है, हमारे दर्शक भी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ काका, तो सुनाइए। ये कहानी तुम्हारी काकी की नहीं है, ये कहानी है नानी की ऐनक। नानी की ऐनक। लेखन रोहिणी निलेकनी, चित्रांकन तनाया व्यास, अनुवाद
आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स। नानी की ऐनक हमेशा गुम हो जाती है। मैं कहाँ ढूंढूं? मैंने उसे कहाँ रख दिया? वह हमेशा कहती रहती, अपनी ऐनक के बिना वह ऐनक नहीं ढूंढ सकती, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत है, उनकी आंखें बनकर उनकी आंखें ढूंढने के लिए। कभी उनकी ऐनक बाथरूम में, कभी बिस्तर पर, तो कभी माथे के ऊपर होती। नानी, आपका चश्मा आपके सिर पर है, मैं कहती। सचमुच मैं बड़ी बेवकूफ हूँ, शुक्रिया ऋचा बेटी, वह हंसती हुई कहती। मगर इस बार नानी की ऐनक मुझे नहीं मिली, अब तक तो नहीं। मैंने उसे हर जगह ढूंढा जहां वह अक्सर रखी रहती, उनके माथे पर, बाथरूम में, उनकी अलमारी में, पूजा की जगह, उनकी पसंदीदा कुर्सी के नीचे और खाने की मेज पर। नहीं, कहीं नहीं मिली। कहां गई वह ऐनक? मैंने तय किया कि अब मुझे अच्छा जासूस बनना पड़ेगा। मैंने जानना चाहा कि नानी ने दिन भर में क्या क्या किया। मैंने आज कुछ खास नहीं किया सिवाय वीणा के सास से बातें करने के। तुम्हें तो पता ही है कि वह कितनी गप्पी है। हम दोनों ने कई बार चाय पी और वे सारे लड्डू खा गई जो तुम्हारी माँ ने बनाए थे, नानी बोली। राजू ने कहा, नानी आज बहुत व्यस्त रही। वह अपनी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रही थी। अम्मा बोली, वह बहुत देर तक तुम्हारी मौसी से बात भी करती रही थी। उन्होंने उस स्वेटर को भी पूरा किया जो वह राजू के लिए बुन रही थी, फिर वह टहलने निकल गई थी। अब मुझे खोज के लिए कई सूत्र मिल गए। मैंने घर में तुरंत ही नई जगहों पर ढूंढना शुरू किया। आहा, मुझे ऐनक मिल गई। ऐनक ऊन में लिपटी पड़ी थी, उनकी कलम के बगल में, फोन के नीचे, मेज के ऊपर, और वहीं पर मुझे आधा खाया हुआ लड्डू भी मिला। मुझे लगता है कि नानी के अगले जन्मदिन पर एक और ऐनक खरीदने के लिए मैं पैसे जमा कर लेती हूँ। अरे वाह, कहानी तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ काकी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अगर ऋचा ना होती तो नानी अपना चश्मा कभी नहीं ढूंढ पाती। बिल्कुल तुम्हारी काकी जैसी। अरे नहीं काका, काकी तो ढूंढ लेती हैं। वो तो आज काम में ज्यादा व्यस्त थी इसीलिए भूल गईं। वरना काकी को तो सब याद रहता है। तो बच्चों, हमें पूरा भरोसा है कि आपको इस कहानी को सुनकर जरूर घर का कोई सदस्य याद आया होगा। तो आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके घर में कौन है जो अक्सर अपनी चीजें रखकर भूल जाता है, और वे क्यों चीजें रख के भूल जाते हैं, जरा यह भी तो जानिए, और ऐसे में आप उनकी मदद कैसे करते हैं। और हाँ, यह भी बताइए कि जब आपकी चीज खो जाती है तो आप क्या करते हैं। हाँ बिट्टू, ये तो तुमने ठीक कहा। जब कभी कोई काम में ज्यादा व्यस्त रहता है या सोचता रहता है तब वो अक्सर चीजें रखकर भूल जाता है। काका, क्या अब हम कोई खेल खेलें? बिट्टू, आज खेल तुम्हारी काकी खिलवाएंगी। खेल तो मैं खिलवा दूंगी, लेकिन बिट्टू पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी मात्राओं की गलतियों का क्या हाल है। अभी तुम्हें किन किन मात्राओं में दिक्कत हो रही है? काकी, मुझे ई
और ई की मात्राएं और ऊ और ऊ की मात्राएं तो समझ में आ गई, लेकिन बाकी मात्राओं में अभी बहुत दिक्कत होती है। तो ठीक है, खेल खेल कर ही पता कर लेते हैं। ठीक है काकी। अरे खेल का नाम तो बताओ। खुद जान जाइए। काका भूल गए, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो आइए खेल शुरू करते हैं बारह घड़ी। तो आज हम कौन सी बारह घड़ी देखने वाले हैं? जरा देखते हैं। आज हम देखेंगे ध की, न की। आज हम ध की बारह घड़ी देखते हैं। चलिए तो शुरू करें। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भव, भंग, भ। तो सबसे पहले क्या आता है? भ। कहाँ गया भ? भू, भ। ये रहा भ। आ जाएगा सबसे पहले भ। अब इसके बाद क्या आना है? इसके बाद आना है भा। तो वो अपनी जगह पर है। अब आएगा भी। अब भी कौन सा है? भंग, भू, भा, भी। ये रहा भी। इसके बाद आएगा भी। भी तो कहाँ तक पहुँचे? भ, भा, भी, भी। अब इसके बाद क्या आना है? सोचिए बच्चों। भू। तो ये रहा भू। भू। यही आना है ना? अब भू के बाद भू है ना? भ, भा, भी, भी, भू, भू। कहाँ गया भू? भू। अरे यही रहा। इसके बाद भे, भय। अरे ये कौन सा है? भंग। अरे ये तो दूसरा। भंग, भे, भय, भो, भव। अब इसके बाद भंग। भंग, भ। अरे वाह, सबसे पहले ये भंग, उसके बाद भ। भ हो गया पूरा। थैंक यू। तो अब एक और बारह खड़ी देखें ऐसी ही। चलिए देखते हैं कौन से अक्षर की जोड़ते हैं। ध की देखें। तो अब व की देख लेते हैं है ना? चलिए देखें। व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वै, वो, वाओ, वंग, वाह। तो सबसे पहले क्या आना है? व। तो कहाँ पर है व? वंग, वा, वाह, वु, वी, व। ये रहा। इसको आना है सबसे पहले व, उसके बाद वा। तो वा हमने पहचाना था, ये था, ये रहा वा। वा, वी, वी, वी कहाँ पर है? वु, वा, वी, ये रही वी, उसके बाद वो। तो ये रहा हमारा वो। वो, वो, वे, वै, वो, वो, वं, वह। तो ये रहा वह। वह।
और एक बचा वंग। वंग हो गया। वेल डन। थैंक यू। अरे वाह, मैं तो भ और व दोनों की बाराखड़ी बिल्कुल सही क्रम में लगा दी। जान गया जान गया। क्या जान गए? अरे काकी, खेल खेल कर ही जान लिया, ये कह रहे हैं काका। अच्छा, तो बिट्टू कौन कौन सी मात्राएं गलत की? अरे काका, पहले सही वाला तो पूछ लेते, पहले ही कौन सा गलत किया यह पूछ रहे हैं। बात तो सही है, पहले सही वाला पूछना चाहिए फिर गलत वाला। अब तुम दोनों ही बता दो, सही भी और गलत भी। काकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई और ई और उ और ऊ की मात्राओं को मैं ध्यान देती हूँ तो गलत नहीं होती, लेकिन ए आए ये समझ में आते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है बिट्टू, परेशान मत हो, जैसे ई ई और ऊ की मात्राएं समझ आ गई हैं, कुछ दिनों में ए और ए भी समझ में आ जाएंगी। हाँ बिट्टू, तुम्हारे काका सही कह रहे हैं। अभी एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है अक्षर खेल। अच्छा, जिसमें शब्द बनाने होते हैं, वही ना? हाँ हाँ, ये खेल तो हम पहले भी खेल चुके हैं, चलिए शुरू कीजिए, मजा आएगा। आइए तो खेल शुरू करते हैं, अक्षर खेल। इस खेल में आपको क्या करना है सोचिए बच्चों, सोचिए। आपने ये खेल पहले भी खेला है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। इस खेल में अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाने हैं, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। घूंट, घूंट, घूंट। काका और काकी ने क्या बताया था कि अगर ऊ लंबी मात्रा जा रही है तो वो बड़े ऊ की है और छोटा जा रहा है तो छोटे ऊ की है, तो यहाँ पर बड़ी जा रही है तो घ पे जाएगा ऊ की मात्रा। घूंट, ये सही होगा। देखे One more try, please. ओ, ये तो गलत है, यानी अभी इसमें क्या लगना है, घूंट। अरे हाँ, इसमें बिंदी भी तो लगेगी। अब देखते हैं, ये सही होगा। Wrong answer. अरे तो इसमें ये लगा देंगे। ओ, दो बार ही मिलेगा इसको सही करने, ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कांटा। अच्छा, तो पहले तो का में आ की मात्रा, ठीक है, और टा में भी आ की मात्रा, काटा हो गया, लेकिन कांटा नहीं हुआ। कांटा बनाने के लिए क्या करना होगा, बिंदी लगानी होगी। कहां पर? का पर। तो अब हुआ क्या, कांटा। चलो एक बार देख लेते हैं। यानी का पर ये वाली चंद्र बिंदी आनी है, का टा। अब देखते हैं। रॉन्ग आंसर। ओ, अभी भी रॉन्ग, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। चाटा, चाटा, चाटा। अच्छा, चा पर पहले आ की मात्रा, टा पर भी आ की मात्रा, जैसे कांटा था वैसे ही चांटा है, यानी ये वाली बिंदी तो ऊपर चा पर आना नहीं है, ये वाली आनी है, तो पहले चा पर जाएंगे और ये जाएगी मात्रा चा टा। अभी देखें क्या सही है। राइट आंसर। ठीक कर दिया मैंने, आगे चलते हैं। झंडा, झंडा। ओके, झा पर झन, ये वाला, डा पर आ की मात्रा, झंडा हो गया ना। अभी देखें। Come on, you can do better. Yes, I can do better. झ पर ये वाली मात्रा आएगी फिर, लेकिन इसको मैं हटाऊं कैसे, ठीक है अब करती हूँ। झ पर अंक की मात्रा, झन, डा पर आ की मात्रा, अब देखते हैं।
थैंक यू। दोबारा में मैंने सही बना दिया। आंचल आंचल। इसमें भी आ ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, यानी इसमें या तो ये मात्रा आने वाली है या ये मात्रा आने वाली है, तो वो आना है आ पर। ये लगा कर देखते हैं। आंचल तो फिर आएगी ये वाली। अब देखते हैं। ओ अरे, मैंने इसे तो हटाया ही नहीं था। चलो आगे चलते हैं। खेल समाप्त। एक बार और खेलना है। सोना सा पर जाएगी ये वाली मात्रा और ना पर ये। अब देखिए सही है नहीं। फैंटास्टिक। आगे चलते हैं। का पर आ की मात्रा, और पीछे हमने देखा था कि जहाँ आ की आवाज आ रही थी वहाँ या तो ये आता था और या ये आता था, तो हम पहले इसे ही लगा कर देखते हैं। देखिए क्या ये सही है। आगे चलते हैं। मा न सु न। मा हो गया, मा न स न, सु मानसू। इस पर मात्रा आनी है। अब देखें क्या ये सही है। Come on, you can do better. Try again. अभी गलत है, पहले इसको हटाना है। तो मा पर आ की मात्रा और सा पर उ की मात्रा। अब देखें। Well done. आंचल आंचल। अरे इसे तो अभी मैंने बनाया ही था, ये बन गया। Right answer. अरे वाह, इस बार तो मैंने सारे सही कर दिए। अरे बिट्टू, इसमें भी अक्षर और मात्राओं को मिलाकर ही शब्द बनाना था। हाँ बिट्टू, तुम बना पाए? हाँ काका, मैंने बहुत सारे शब्द बनाए। इस बार तो मैंने कुछ ए और आए वाली मात्राओं को भी समझकर शब्द बना दिए। शाबाश बिट्टू। देखा, कहा था ना कि धीरे धीरे समझ आ जाएंगी ये मात्राएं, इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तुम डरती हो। हाँ काका, वो तो है, मैं आगे भी ऐसे ही कोशिश जारी रखूंगी, वो भी बिना डरे। बच्चों, जैसे बिट्टू को मात्राओं में दिक्कत होती है, आप किन मात्राओं में अटकते हैं? क्या आप अलग अलग अक्षरों में ए और ए मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं? बिट्टू की का की, अब तुम्हारी बारी है खेल खिलवाने की। हाँ काकी, कोई मजेदार खेल खिलवा दीजिए। बिट्टू अब खेल नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कविता सुनाऊंगी, तुम्हें सुनकर मजा आएगा। हाँ हाँ काकी, सुनाइए। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, 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 हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे,
कैसी लगी ये कविता बिट्टू? काकी, कविता तो बहुत अच्छी थी। इसको सुनकर और बच्चों का डांस देखकर तो मेरा भी मन डांस करने का करने लगा, और बच्चों ने डांस भी बहुत मजेदार किया है। बच्चों, आपने ये कविता तो सुन ही लिया है, अब इस कविता को गाइए, झूमिए, डांस कीजिए। इस कविता की तरह कोई और कविता आपको याद आ रही हो या आपकी किताब में हो तो उसे पढ़िए और घर में सबको सुनाइए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया कहानी पर बातचीत करके और अक्षरों के खेल खेल के। तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और चीज। अब हम सीखेंगे गणित। गणित से डरिए मत, ऐसा डर हमारे दिल में बैठा दिया गया है कि गणित बहुत मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल नहीं होती। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए खेलते हैं गणित के खेल और सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल नंबर कस। इस खेल में हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल। आज हम इस खेल का दूसरा भाग खेलेंगे। 40, तो हमें यहां पर नंबर पहचानना है 40। 10, 20, 30, 40, ये रहा नंबर 40। शाबाश, 10, 20, 30, 40। दोस्तों, आपने देखा कि 40 पर जब हमने क्लिक किया तो उसके नीचे 10-10 की चार गेंदें आई। 10-10 की गेंदें दहाइयों को दर्शाती हैं। तो 40 के नीचे आई चार गेंदें, इसका मतलब है कि 40 चार दहाइयों से मिलकर बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि 40 का मतलब है चार दहाइयों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर दिया है 20, तो देखते हैं 20 कहां पर है। 10, 20, ये रहा नंबर 20। अब देखेंगे 20 में कितनी दहाइयां आती हैं। शाबाश, 10, 20। जी हाँ, 20 में आई दो दहाइयां। अगला नंबर 10, तो सोचिए 10 में कितनी दहाइयां होंगी। आपको लगता है 10 में एक दहाई होगी। चलिए देखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। शाबाश, 10। आपने बिल्कुल सही कहा, 10 में एक दहाई रहती है।
अगला नंबर है 90। तो चलिए देखते हैं 90 कहाँ है और इसमें कितनी दहाइयां आएंगी, सोचिए। चलिए देखें, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये रहा नंबर 90। शाबाश। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जी, तो 90 में आई 9 दहाइयां। अगला नंबर है 70। तो बताइए 70 कहां पर है? जी हाँ, ये रहा नंबर 70। और सोचिए कि 70 में कितनी दहाइयां होंगी? 7। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। शाबाश। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगला नंबर है 20। तो बताइए 20 में कितनी दहाइयां होंगी? जी हाँ, 2 दहाइयां। ये रहा नंबर 20। शाबाश। 10, 20। आगे है नंबर 100। तो ये रहा नंबर 100 और इसमें कितनी दहाइयां होंगी, चलिए देखें। शाबाश। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जी, तो 100 में आई पूरी 10 दहाइयां। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने जाना था 10 में आती हैं 10 इकाइयां। 10 इकाइयों को मिलाकर बनता है 10 और 10 एक दहाई है। उसी तरह 10 दहाइयों को मिलाकर बनता है 100 और 100 एक सैकड़ा है। दोस्तों, आपको ये खेल खेलने में मजा आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए अब सोचिए कि नंबर 40 में कितनी दहाइयां होंगी और नंबर 60 में। दोनों की दहाइयों को अपनी कॉपी में लिखिए, अपने मम्मी पापा को बताइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए आज हम 21 से 50 तक की गिनती सीखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं 20 के बाद आने वाले सबसे पहले नंबर से। तो पहला अंक है 21। बाईस। तेईस। चौबीस। पच्चीस। छब्बीस। सत्ताईस। अट्ठाईस। उनतीस। तीस। इकतीस। बत्तीस। तैतीस। चौंतीस।
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इसी तरह आपको भी गिनती करना सीखना है। हम फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम फिर से एक बार जोड़ करेंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट में आपको सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में देखना है। सबसे बाएं कॉलम में 6 और सबसे ऊपरी पंक्ति के सभी अंक हम आज जोड़ करके देखेंगे। शुरू करते हैं। 6 जोड़ 1 बराबर 7, 6 जोड़ 2 बराबर 8, 6 जोड़ 3, 6 जोड़ 3 बराबर 9, 6 जोड़ 4, 6 जोड़ 4 बराबर 10। और क्या होगा अगर 6 को 5 से जोड़ें? 6 जोड़ 5 बराबर 11, 6 जोड़ 6 बराबर 12, 6 जोड़ 7, 6 जोड़ 7 बराबर 13। और अब देखिए 6 जोड़ 8 कहाँ मिल रहा है? 6 जोड़ 8 बराबर 14, 6 जोड़ 9, 6 जोड़ 9 बराबर 15, और 6 जोड़ 10 बराबर 16। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी तरह हम अगले चार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एक नई अंक पहेली हल करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले कॉलम से। तो सबसे पहले या सबसे बाएं कॉलम में देखिए 6 और 5 को जोड़ना है। 6 7 8 9 10 11, इस खाली बॉक्स में 11 लिख दिया। अब सबसे ऊपर पंक्ति पे चलते हैं। 6 में क्या जोड़ने पर 9 मिलेगा? तो 6 7 8 9, इस तरह 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा। और अब सबसे निचली पंक्ति में देखिए 11 में 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो 11 12 13 14 15 16 17। अब बचा है ये अंतिम वाला कॉलम। यहाँ पर 9 में
क्या जोड़ा जाए कि 17 मिल जाए? 9 और 1 10 और ये पूरे 7 17, इस तरह 7 और 1 8, तो इस तरह 9 जोड़ 8 बराबर 17। तो हमने सारे कॉलम भर लिए हैं, ये बचा है बीच का। चलो बीच वाले कॉलम को देखते हैं। 3 में क्या जोड़ने पर 6 प्राप्त होते हैं? ये तो बहुत ही आसान है, 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिलता है। तो इस तरह हमारे सारे कॉलम भर गए। कुछ बचा है क्या? नहीं। तो अब आप जल्दी से इनको चेक कर लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। तो अगले अंक पहेली में फिर से हमें जोड़ करना है। कहाँ से शुरू करेंगे? जी हाँ, हम शुरू करेंगे सबसे बाएं कॉलम से। सबसे बाएं कॉलम में सबसे ऊपर बॉक्स में क्या भरा जाएगा कि 5 में जोड़ने पर 9 हो जाए? तो 5 6 7 8 9, जी हाँ 4 ही भरा जाएगा। अब सबसे ऊपर पंक्ति पे देखिए, 4 में क्या जोड़ने पर 7 मिलता है? बिल्कुल आसान है, 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिलता है। अब सबसे नीचे पंक्ति में देखिए, सबसे निचली पंक्ति में 9 और 8 को जोड़ना है, कितना प्राप्त होगा? तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह ये पूर्ण हुई। अब बढ़ते हैं इस अंतिम कॉलम पे। अंतिम कॉलम में 7 में क्या जोड़ने पर 17 मिलते हैं? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 7 और 10 होते हैं 17। और अब ये बीच वाली पंक्ति में देखिए, 5 में 5 जोड़ने पर 10, इस तरह बिल्कुल सही, हमारी पूरी पहेली भर चुकी है। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। अगली अंक पहेली में सबसे ऊपरी पंक्ति को देखिए, 7 में कितने जोड़ने पर 11 मिलेंगे? तो 7 8 9 10 11, इस तरह 4 जोड़ने पर 11। और अब ये अंतिम कॉलम में 11 में क्या जोड़ा जाएगा कि 18 हो जाए? तो 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, इस तरह कितने अंक हुए? 7 अंक। अब बढ़ते हैं इस निचली पंक्ति पे। 10 में क्या जोड़ने पर 18 मिलते हैं? तो 10 और 8 18 होते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस बीच वाले कॉलम में। बीच वाला कॉलम देखिए, 4 में क्या जोड़ने पर 8 मिलेगा? ये तो सबको पता है, 4 और 4 8 होते हैं। इस तरह 4 में 4 जोड़ देंगे। अब बचा है केवल सबसे बाएं कॉलम। अब तो ये आसान है, 7 में कितने जोड़ने पर 10? 7 8 9 10, अर्थात 3। इस तरह पूरी अंक पहेली हमारी पूर्ण हो चुकी है। अब बारी है सारे अंकों को एक बार मिलाने की। दोस्तों, वक्त हो चला है एक मजेदार राइम सुनने का, तो फिर चलें। आज की राइम का नाम है चबी चीक्स, और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसको बनाया है प्रथम इंफोटेक फाउंडेशन ने। Cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth whiten, curly hair, very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth whiten. Curly hat, very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. क्यों दोस्तों, मजा आया? मुझे तो राइम बहुत पसंद आई। क्या आपको पता चला इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है? मुझे तो समझ आ गया। इस राइम में चेहरे के अलग अलग भागों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह बताया गया है, बल्कि उन भागों को दिखाते हुए जवाब बताया गया है, जैसे चब्बी चीक्स मतलब गोल मटोल गाल। अब मैं इस राइम को अपनी छोटी बहन को भी सिखाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह राइम सुनाएं। डर से नहीं तैयारी से,
आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।